नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में शिक्षकों के कई कैटेगरी के हजारों पद खाली हैं। इन खाली पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को स्वीकृति भेजी है। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सेवानिवृत्त टीचरों की भर्ती की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा पास के प्रदेशों से भी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं में इसको लेकर भारी उत्साह है। जो विरोध कर रहे हैं वो 70 साल, 50 साल, 40 साल के लोग हैं। 18 साल का कोई युवक इस योजना का विरोध नहीं कर रहा। आम आदमी का क्या होगा? मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है और जल्दी उस पर साइन हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो हम टीचरों की भर्ती तो करने लग रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए जो है बाहर से टीचर जो रिटायर हैं उनको इसलिए लिया कि जब तक हम नई टीचरों की भर्ती करते हैं तब तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंतजाम नहीं। कोर्ट ने 134 से बनाया और कोर्ट ने जब उस पर संज्ञान लिया उसके बाद केंद्र सरकार ने RTE लागू किया। तो अगर किसी को लग रहा है कि RTE में एडमिशन करवाने का मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन है तो मैं समझता हूँ गलत है। और प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, प्राइवेट स्कूल में तो किसी को रोक नहीं सकते। अब जिसकी इच्छा होगी वो सरकारी में आएगा, जिसकी इच्छा होगी प्राइवेट में आएगा। हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि लोग हमारे पास आए। पिछली बार हमने प्रयास किया तो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे पढ़े। आगे हमारा प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास है। मैंने जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब मैंने कहा था कि भाई हमारा प्रयास ये रहेगा 50% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में होने चाहिए, प्राइवेट में 50 ही रहने चाहिए। मदावे के साथ कह रहा है कि जिस दिन ये भर्ती की जो अप्लाई करने की प्रक्रिया बंद होगी उस दिन वो 3 लाख से ऊपर होंगे। लेने हमने केवल 3-3.5 हज़ार। तो लोगों में खूब उत्साह है, जो बच्चे हमें बड़ा भारी उत्साह है। वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी एक योजना है सरकार की, मतलब इतनी अच्छी योजना कि भाई जिस टाइम में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, ग्रेजुएशन पूरी करते करते वो एक नया अनुभव ले लेगा, आर्मी ज्वाइन कर लेगा, उसका एक नया अनुभव उसके पास होगा, उसकी फिटनेस भी होगी, उसके पास उसका अनुशासन भी होगा, आर्मी का नाम भी होगा उसके साथ, फित्ता लगे होगा आर्मी का, और उसके बाद कोई रोकता है उसको कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा। कुछ एक दो घटना आई और उनको सारी को उसकी रिसर्च कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। और आने वाले टाइम में भी अगर कोई इस प्रकार का करेगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे और इस पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपने सिरसा निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा राम रहीम ही असली राम रहीम है। इसके साथ ही जेल मंत्री ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के कुछ श्रद्धालु अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, पुलिस कस्टडी से कोई भी कैदी किडनैप नहीं हो सकता। इसके साथ ही जेल मंत्री ने अभय सिंह चौटाला के आरोपों पर भी बयान देते हुए कहा कि मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कोई भी विधायक बिकता नहीं है। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में विधायकों पर पैसे लेकर वोटिंग करने के आरोप लगाए थे। इन बयानों को रणजीत सिंह चौटाला ने बेबुनियाद बताया है। रामरहीम को CBI कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्हें अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया, तो हमारे DGP सुपरविजन कर रहे थे, पुलिस कमिश्नर ने सारा ऑपरेशन किया, उसमें कोई इस तरीके के हमारे सीनियर ऑफिसर की बात में कोई चेक करना बेवकूफ़ी की बातें हैं। नंबर दो, हम कस्टडी से सीधे जेल में लेके गए, जेल से वो पैरोल पे गए, अब नहीं कई बार गए हैं। अब उसके बाद उनका परिवार उनसे मिलता है, अगर उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटियाँ अगर वो कुछ नहीं कहते तो इन्हें जो उनके श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बिनाबाज की अपनी प्रोपेगेंडे के लिए, अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए या एक बिना बात का मुद्दा उठाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, असली बाबा हैं बाबा राम रहीम जो हैं, जिन्हें लोग मानते थे वही बाबा हैं और वही हमारी जेल में है, वही अभी बागपत में जो गए हुए हैं वही है। उन चाचा भतीजे के झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। हमारे देवलाल के परिवार की एक प्रतिष्ठा है, प्रकाष्ठा है, वो बच्चे हैं इस तरीके की आपस में एजुकेशन लगाते हैं। पर जहाँ तक रणजीत सिंह की बात है, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है, हमने कभी जिंदगी में ना चो देवीलाल ने ये काम करा ना मैं करा, हमने कभी पैसे बांटे नहीं। और मैं बिल्कुल इस जिम्मेदारी से कहता हूँ,
वो कहते हैं जिस आदमी ने पैसे बांटे हैं जो कहते हैं मुझे दिए, उस आदमी को मेरे सामने पेश कर दे। MLA कभी बिकता नहीं, अगर वो बिकेगा तो उसके अपने इलाके में लोगों में जिन लोगों ने 2 लाख लोगों ने चुन के दिया है उनके सामने उसकी क्या इज्जत रहेगी। मैं नहीं मानता कोई इस लेवल का आदमी बिकने की बात करते हैं, ये बेकार की बातें हैं, ये बिना बेस के एलिगेशन है जो लगा दिए जाते हैं। किसने बांटे, किसने लिए, कौन कह रहा है, ये कोई बातें। अच्छा किसी ने बांटे हो तो उसके सामने बांटे हैं क्या? इन बातों का कोई सबूत होता है? गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हिसार में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस क्लिनिक का वो उद्घाटन करने आए हैं वो उनके बहुत पुराने दोस्त का है। वहीं प्रदेश सरकार की खूबियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वो हरियाणा प्रदेश को क्राइम फ्री देखना चाहते हैं, जिसको लेकर के काम किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब कोरोना के मामले सामान्य है और ऐसे में आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो हिसार दौरे पर रहे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि वो एक निजी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे और जहाँ पर उन्होंने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया तो साथ ही उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल उनके एक पुराने दोस्त का है और जिसका उद्घाटन करने के लिए वो आए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हरियाणा को क्राइम फ्री देखना चाहते हैं। उन्नीस सौ 1990-91 में जब मैं प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष होता था तब से मेरे साथ थे। तो आज उन्होंने अपना नया ये क्लिनिक खोला है, उसकी शुभकामनाएं देने के लिए। हिमाचल के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां कुल्लू में सवारियों से भरी बस खाई में जा गिरी, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस बस में ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी थे। निजी बस अंचली सूत सेंसर से सेंच की तरफ आ रही थी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस हादसे में कई लोग, कई ग्रामीण इस बस में सवार थे और साथ ही साथ स्कूली बच्चे भी इस बस में सवार थे। तो हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हिमाचल के कुल्लू में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की दुखद मृत्यु के समाचार से मन विचलित हो उठा है। दुख की इस घड़ी में पूरे देश शोकाकुल है और साथियों ने कहा कि उनके मृतकों के परिवार के साथ है और ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे, ऐसी वो कामना करते हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल के कुल्लू में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वही इस दर्दनाक हादसे के बाद से मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर लिखा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ है, ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चरखी दादरी से आ रही है, जहां फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चरखी दादरी से आपको बता दें, फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और फिरौती ना देने पर जाल से मारने की धमकी भी आरोपी दे रहा था। स्पेशल स्टाफ के हत्थे ये आरोपी चढ़ा है और बाबा गैंग का सदस्य ही आरोपी बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चरखी दादरी से आपको बता रहे, जहां फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती
आरोपी ने मांगी थी और साथ ही साथ फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी भी लगातार दे रहा था। तो वहीं स्पेशल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि यह दुकानदार से 20 लाख की फिरौती इस आरोपी ने मांगी थी। तो स्पेशल स्टाफ के हत्थे ये आरोपी चढ़ा है और बाबा गैंग का सदस्य ये आरोपी बताया जा रहा है। तो चरखी दादरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फिरौती मांगने का आरोपी जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि दुकानदार से आरोपी ने 20 लाख की फिरौती मांगी थी और लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। तो इस स्पेशल स्टाफ ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बाबा गैंग का सदस्य ही आरोपी है और रोहित ने आरओ कल्याणा ने 20 लाख की फिरौती मांगी थी और मरने की धमकी दी थी। कल ही स्पेशल सेल को ये टीम हमने भेजी थी मद्रास से इसको दुबंधन मद्रास से रोहित को गिरफ्तार कर लिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में विकास परियोजनाओं के लिए सरल और सुगम तरीके से सरकारी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक जल्द ही शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे भूमि बैंक की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव भी एक्टिव मोड में है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी गांवों, नगर पालिकाओं और परिषदों समेत विभिन्न विभागों की जमीन का डेटा जुटाने के आदेश दिए हैं। निशांत यादव की माने तो हरियाणा में जरूरी सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से लैंड बैंक नीति पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की लैंड बैंक नीति से जमीन बेचने वालों को उनकी जमीन का सही रेट मिलेगा और सरकार को विकास कार्यों के लिए आसानी से जमीन भी उपलब्ध हो जाएगी। लैंड बैंक का कंसेप्ट ये है कि जितनी भी सरकारी हमारी ज़मीनें हैं, चाहे वो पंचायतों के पास हों, नगर पालिका या नगर निगमों के पास हों, उनको इकट्ठा करके एक बैंक बनाया जाए ताकि किसी भी सरकारी विभाग को आगे कोई प्रोजेक्ट लेना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई और चीज़ें अपनी डेवलप करनी हो, तो उसी ज़मीन पर वो कलेक्ट करें। खबर अंबाला से, जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया तैयार किया गया है। आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया 80 के दशक की तरह बनाए गए हैं और उन्हें आधुनिक हथियार और गाड़ियां भी उपलब्ध करवाई गई हैं। वहीं डॉक्टर वीरेश शांदले ने जश्नदीप सिंह रंधावा की तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसे पुलिस अफसरों की जरूरत है। साथ ही एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से सत्यापन करके उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतंकवाद को खत्म करने के लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया तैयार किया जा रहा है। यमुनानगर में पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अपनी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगाकर सफर करने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत ब्लैक फिल्म लगाकर कार चला रहे लोगों के चालान काटे। तो वहीं जिले के करैया चौक पर 25 गाड़ियों को चेक किया गया, जिनमें से 10 गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगी हुई मिली। इन सभी 10 गाड़ियों की चालान किए गए और इस मामले में थाना प्रभारी कमलजीत ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म ना लगाएं और अपने कागजात पूरे रखें और नियम के मुताबिक चलें। आज हमारे एसपी साहब और एडीजीपी साहब की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है, सीलिंग प्लान के तहत 10 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और कम से कम 25 गाड़ियां चेक की गई हैं, इनमें ब्लैक फिल्म के हमने आज चालान किए।
गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में एक बार फिर से सिस्टम की बदहाली देखने को मिली है। जहां एक तरफ मरीजों को घंटों कार्ड बनवाने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है, उसके बावजूद ना तो उसका कार्ड बन रहा है और ना ही मरीजों का इलाज हो पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली के तारों की लाइन डालते हुए शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी मरीज को कोई हानि नहीं हुई। वहीं कुछ मरीजों का आरोप है कि कल रात से ही अस्पताल में बिजली नहीं है, जिस वजह से ना तो पंखा चल रहा है और ना ही लाइट, और मजबूरन मरीजों को तड़पती गर्मी में रहना पड़ रहा है। सिंह सब कुत्ते काट लिया था, सुई टीका लगवाना था, 2 घंटे हो गए भाई, फर्स्ट नंबर मेरा ही है, ना पंखा चल रहा ना कुछ भी भाई, अंदर पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है। शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से लाइट नहीं आ रहा है रात से। कितनी परेशानी है? परेशानी तो बहुत हो रहा है, गर्मी है कितना आपको पता ही है, देखो तो बच्चे के लेकर बाहर घुमा कल ही से नहीं आ रही। मुझे बहू चेक करवानी है और पोती चेक करवानी है, उसके मुँह आ रहे हो है। अच्छा। और 2 घंटा हो गए हमें यहाँ लाइन में खड़े खड़े, ना पर्ची मिल रही है आज के, ना दवाई मिल रही है आज के, और सब परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ना लाइट है आज के। झज्जर के डाबोदा कला गांव के ग्रामीणों और महिलाओं ने शराब ठेके के खिलाफ और गांव के बच्चों के लिए बस सर्विस की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। डाबोदा कला गांव के बाहर शराब का ठेका खुला होने के कारण ग्रामीण परेशानियां झेल रहे हैं और शराब का ठेका कृषि भूमि में खोला गया है, जो पूर्ण रूप से अवैध है। महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका गांव में ही नहीं होना चाहिए और गांव में होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह और शाम के समय वो खेतों की तरफ जाती हैं तो रास्ते में शराबी सड़क के बीचों बीच बैठे रहते हैं और गंदी पपतियां कसते हैं, इसलिए उनका सड़क पर आना जाना दुश्वार हो गया है। महिलाओं ने उपायुक्त से ठेके को तुरंत प्रभाव से बंद कराने की मांग की है। इसके अलावा भी महिलाओं का कहना है कि गांव के बच्चे 3 किलोमीटर दूर गांव माचरज में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के लिए कोई बस सुविधा ना होने के चलते उन्हें आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को घर से स्कूल तक पैदल ही जाना पड़ता है, इससे उनका समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है, इसलिए गांव में बस की सुविधा भी करवाई जाए। नहीं बस चलती। हाँ। और भाई बहन बेटी माँ दे रहते बैठ के काम में आवास है, ठेके का हमारे बीच में ठेका हट गया। और भाई सामान में अपना जोत बत्ती करी मंदिर से उड़े भाई, घूमना फिरना और भाई मारे ठेका उठना चाहिए का रास्ता से, और कति गांव से 1 किला आगे ने ठेका खोल लिया। अच्छा। और बेटा कति भीड़ इतनी हो जाए 5 बजे कोई गोबर बिगेरे कोई कूड़ा ले कोई घूम जा से, उनने इतनी दिक्कत से गमी वो ठेका कति उठना चाहिए। अम्बाला के डीसी विक्रम ने बड़ा ऐलान किया है, हरियाणा में जितने भी नंबरदार हैं उनको मोबाइल फोन दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि नंबरदार सरकार की तरफ से 9000 तक की कीमत का फोन खरीद सकते हैं और बताया अगर 9000 से ज्यादा का फोन लेना है तो नंबरदारों को बाकी की कीमत खुद अदा करनी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि फोन खरीदने के लिए ई वाउचर 4 से 7 जुलाई तक ही उपलब्ध है। साथ ही डीसी ने कहा कि जिन नंबरदारों को मोबाइल चलाना नहीं आता उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो अम्बाला में नंबरदारों को स्मार्टफोन मिलेगा, सरकार का नंबरदारों को यह बड़ा तोहफा है। और आपको बता दें कि 9000 तक की लिमिट इसमें रखी गई है, यानी कि नंबरदार जो है वो 9000 तक का फोन ले सकते हैं और जिसका जो भुगतान होगा 9000 रुपये तक का वो सरकार करेगी। अगर 9000 रुपये से ज्यादा का फोन कोई नंबरदार लेता है तो उसको अपनी जेब से उसकी कीमत देनी होगी। हरियाणा सरकार की स्कीम है उनको मोबाइल फोन दिए जाए, उसमें सरकार की साइड से 9000 रुपये दिए जा रहे हैं, और अगर कोई इंसान 9000 से ऊपर का पैसा मोबाइल लेना चाहता है तो उनको खुद को ऐड करना पड़ेगा, और 9000 से सस्ता लेना चाहता है तो बाकी के पैसे सरकार को देने पड़ेंगे। तो मतलब 9000
सरकार की साइड से असिस्टेंसिव है उसमें फाइनेंशियली। जो प्रोसीजर है वो नंबरदार सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद उनको पहले ही ऑलरेडी यहाँ से आईडी पासवर्ड आ चुका है, तो वाउचर्स क्रिएटेड है, तो यहाँ से आकर उनका रजिस्ट्रेशन करा के टोकन लेना होता है। टोकन के बाद यहाँ पे वेंडर्स हैं, उनमें से उन्हें जो मोबाइल पसंद आता है वो मोबाइल। रतिया में हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है, जहां जिले के मॉडल टाउन में सीवरेज की समस्या को लेकर एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक जन स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका अधिकारियों के साथ मॉडल टाउन में मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने हालातों को देखकर कहा कि लोग यहां नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस दौरान एसडीएम ने नगर पालिका सचिव को सख्त दिशा निर्देश दिए और कहा कि इस काम में लापरवाही ना बरती जाए और सीवरेज की सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। वहीं एसडीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या का जल्द समाधान होगा। आपको बता दें कि रतिया में सीवरेज की समस्या की खबर को हर खबर चैनल ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया। ये इधर जा रहा है, पानी का जो बनाया हो ना सीवर से लीक हो रहा है, ये तो इधर जाने बरसाती वाला जो बनाया वो ना पब्लिक हेल्थ वाला लीक। आप सारे कहने के कुत्ते को सालों की सीवरेज का जो इन्होंने बताया कि लो लाइंग एरिया है थोड़ा सा, उसकी पाइप लाइन ज़्यादा नीचे है, उसको लेके मैं इमीडिएटली तो इसकी अभी सफाई करवाऊंगा। मशीन मंगवाई है अभी मैंने एक सेल से बात करके, और फिर इसका जो है अगर परमानेंट इलाज करने के लिए नई सीवरेज सिस्टम लगानी पड़ेगी तो उसका एस्टिमेट बढ़वा के इसका परमानेंट समाधान कराएंगे। सर ये पानी देखिए ये इधर जा रहा है, ये पानी का जो बनाया हो ना सीवर से लीक हो रहा है, ये तो इधर जाने बरसाती वाला जो बनाया वो ना पब्लिक हेल्थ वाला लीक। आप सारे कहने नारनौंद में एचएसईबी वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की ओर एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता धर्मपाल ने कहा कि हम पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर नारनौंद एसडीओ मनदीप कुंडू को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। बिजली कर्मचारियों ने मांग की कि समान काम समान एरिया और समान स्टाफ को की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रांगण में जो कमरे बने हुए हैं वो कंडम हो चुके हैं, उनकी मरम्मत की जाए। तो वही कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे मंगलवार शाम तक पूरी नहीं की गई तो ये गेट मीटिंग बुधवार से धरने में तब्दील हो जाएगी। हमारा गेट मीटिंग का दूसरा दिन है जिसमें हमने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है, और अगर जो अधिकारी हमारे को बुला करके हमारे डेलीगेशन साथियों को अगर बात नहीं करेगा तो ये धरना बुधवार को अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील कर दिया जाएगा। कैथल में ऑल फूड और एलाइड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन के लघु सचिवालय में पहुंचे और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मजदूरों ने कहा कि एक तारीख से हुई इंक्वायरी में जो मजदूर काम पर आए थे उनकी गिनती हुई, लेकिन 3 तारीख के बाद उनकी ना तो हाजिरी लगाई गई और ना ही उन्हें मजदूर माना जा रहा है। वहीं मजदूर इस तरह की ठेकेदारी प्रथा से परेशान है और चाहते हैं कि इस तरह का अन्याय उनके साथ ना हो, और साथ ही साथ मजदूरों ने अपनी मांगे रखी है, मजदूरों के लिए हाजिरी रजिस्टर लगवाया जाए, मजदूर पहचान पत्र जारी किया जाए, ठेकेदार से लेबर लॉ का सख्ती से पालन करवाया जाए, मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, मजदूरों को मेडिकल सुविधा दी जाए, श्रम कल्याण बोर्ड की स्कीमों का फायदा दिया जाए। तो ये भी जो है कर्मचारियों की मांग है। बीसीएजी 1 तारीख ने चेकिंग हुई थी वर्करों की, जो वर्कर काम पर पाए गए थे 3 तारीख तक उन पर काम करवाया गया और 3 को उनको ये कहा गया भाई आप हमारे वर्कर नहीं। जिस टाइम चेकिंग हुई है उस टाइम किसी अधिकारी ने किसी ठेकेदार ने कोई भी ये चीज़ नहीं बोली गई कि भाई आप हमारे वर्कर नहीं हो, क्योंकि किसी भी बंदे की गेट एंट्री हाजिरी नहीं लगती।
दौसा में एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां बिजली उपभोक्ता को इस मैकर्स व्यक्तिगत और बैंकिंग डाटा चुराने के लिए टेक्स्टेड मैसेज भेजते हैं और कहा जाता है कि पिछले महीने का बिल अपडेट करें और दिए गए नंबर से संपर्क करें, और जब पीड़ित दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेता है तो जालसाज पीड़ित को पिछले भुगतान की सत्यापित करने के लिए कहता है। इसका खुलासा निगम डिवीजन 1 के एसडीओ होशियार सिंह ने किया और एसडीओ ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि की मैसेज में आए लिंक के जरिए कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें, कौन सी ऐप ठीक है इसे बिजली डिपार्टमेंट या बोर्ड से वेरीफाई कर लें और केवल उसी ऐप से बिजली के बकाया बिल की पेमेंट करें। आजकल काफी मैसेज आ रहे हैं, फेक मैसेज आ रहे हैं, उन पे लिखा आता है कि भाई आपका बिल बिजली का बिल अपडेट नहीं है और बिजली का बिल अपडेट ना होने की वजह से आपकी सप्लाई काट दी जाएगी। तो लोगों को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जालसाज हैं, ये साइबर ठग हैं, ये आपका बैंकिंग का डाटा चुराते हैं और उससे फिर आपको ओटीपी मांगेंगे और आपका जो अमाउंट है वो कट जाएगी। बिजली निगम का इससे कोई संबंध नहीं है। चलिए बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।